अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत से लोग हैं जो के हेयर डाई करने पसंद नहीं करते, या फिर जो है बाहर जाके हेयर डाई करवाना उनको एक्सपेंसिव लगता है, या फिर वो चाहते हैं कि हर्बल तरीकों के मुताबिक चले, जिसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है हेना, हेना से अपने बालों को हेयर कलर करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो हेना का तरीका बताऊंगी जिससे आपके बाल ये नहीं कैसे ऑरेंज ऑरेंज और अजीब वरीब येलो इस टाइप के कलर के हो जाएंगे, बल्कि आपके बाल आपकी पसंद के मुताबिक जिस तरह का कलर आप चाहेंगे उस तरह के होंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से घर में इस तरह का हेना प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके बालों का एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आए। फिर मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी, फिर मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताऊंगी जो कि जब आप घर में अपनी हेना प्रिपेयर करोगे तो आपने याद रखनी है। तो चले टाइम जाए के बगैर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, अगर आप घर पर ही हेना को इस्तेमाल करते हुए कलर करना चाहते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊंगी वो आपने साथ साथ लिखते जाना है, और कोई भी इंस्ट्रक्शन को टस से मस नहीं करना, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आपने करना है। तो सबसे पहले आप एक पतीली लें और उसमें आपने जो नॉर्मल साइज का मग होता है या कप होता है जिसमें आप चाय भर के पीते हैं, तो वो आपने पानी डालना है सादा, और उसके बाद आप उसमें डाल देंगे चाय की पत्ती, जो भी जिस ब्रांड की भी आप घर में चाय बनाने के लिए पत्ती इस्तेमाल करते हैं आप वो डालेंगे। इससे आपके बालों पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। फिर आता है मैजिकल इंग्रेडिएंट, जो कि आपके बालों को कलर को अच्छा भी करता है और आपके बालों पर जो कलर होता है उसको मजबूत भी करता है, उसको बाइंड करके रखता है, और वो है जी तकरीबन 15 आपने पीस लेने हैं लॉन्ग के। अच्छा, अगर आपके पास लॉन्ग नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप 2 से 3 इंच का जरा मोटा वाला दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। लौंग की जगह आप दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसको अब उबाल आने तक आप पकाएंगे। जब तक हमारी चाय रेडी होती है तब तक हम रेडी कर लेते हैं जी अपना मेहंदी पेस्ट, मेहंदी का पाउडर। और उसके लिए यहाँ पर मैं मेहंदी जो इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। चाहे तो आप ताज़ा पत्ते ला के उनको ड्राई करके उसकी मेहंदी बना लें, टोटली आपकी मर्जी है। मैं यहाँ इस ब्रांड की मेहंदी इस्तेमाल कर रही हूँ और ये हर्बल मेहंदी है जिसमें 100% केमिकल फ्री मेहंदी है, इसमें किसी भी किस्म के कोई खतरनाक केमिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मेहंदी है। तो ये मेहंदी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साइज मैं आपको बता दूँ जो हम लेंगे, बालों का साइज है जी अम्मी के बालों पे, क्योंकि मैं लगाऊंगी और एज के साथ साथ आपको पता है बाल हल्के हुए जाते हैं, तो अम्मी के बाल थोड़े से थिन हैं। तो जिनके बाल कमर से ज्यादा हैं या फिर आपके बाल अगर मोटे हैं, चोटी अगर आपकी मोटी बनती है तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से ज्यादा कर लीजिएगा। मैं जो क्वांटिटी इस्तेमाल करने लगी हूँ ये 100 ग्राम का पाउच है और इसका मैं हाफ पाउच इस्तेमाल करूंगी, जो कि तकरीबन 4 टेबलस्पून बन जाएगी मेहंदी। तो मेहंदी हम लोगों ने ले ली और उसके बाद इसमें, ताकि हमारे बालों पर एक बहुत ही खूबसूरत ब्राउनिश से कलर आए, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जी कॉफी पाउडर 1 टेबलस्पून। कॉफी मैं नेस्कैफे की इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हर घर में आई थिंक नेस्कैफे ही ज्यादा आसानी से इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप कोई और भी कॉफी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो टोटली फाइन है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि मैंने नेस्कैफे ही इस्तेमाल करनी है, 1 टेबलस्पून नेस्कैफे हो जाएगी। अच्छा, हमारा चाय का पानी जब बॉयल हो जाए उसके बाद आपने उसको छान लेना है और अब हमने मेहंदी में थोड़ा थोड़ा करके उस पानी को डालना है और चम्मच से या हाथ से या विस्क से आप उसे मिक्स करते जाएं। मैं अभी इसे चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालोगे, एक साथ आप पानी नहीं डालोगे, मकसद ये है कि लम्प्स ना बने। अगर आप एक साथ पानी डालोगे पानी ज्यादा भी हो सकता है जिसकी वजह से मेहंदी बिल्कुल लिक्विड टाइप की हो जाएगी, या फिर लम्प्स भी बन सकते हैं जिनको बाद में रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमारा मकसद ये है कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमने पेस्ट बनाना है। तो ये हमारा पेस्ट आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी जैसा नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है कि अप्लाई करने में मुश्किल हो। अब क्योंकि मेहंदी से बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि बाल बहुत रूखे सूखे से हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे, या तो आप एक पूरा अंडा डाल लोगे या फिर आप मेरी तरह से 1 टेबलस्पून दही डाल सकते हो। दोनों चीजें आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देते हैं, शाइन देते हैं और स्मूथ करते हैं। तो दोनों में से जो चीज आपको आसान लगती है आप डाल लें। मैं यहां पर अंडा डालना चाहती थी लेकिन क्योंकि अम्मी के बालों पर लगाना है और अम्मी नहीं लगवाना अंडा डलवाना चाह रही थी, रीजन मैं आपको आगे जाके बताऊंगी जब मैं आपको जनरल कुछ चीजें बताऊंगी। तो अंडा डाला और उसके बाद कोई भी हेयर ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आपने 1 टेबलस्पून डाल के
उसके बाद आपने दोबारा से इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो ताकि ज्यादा इसमें घुटलियां या कुछ भी एयर बबल्स ना रहें, इसलिए मैं सोच रही हूं कि मैं विस्क यूज कर लूं और ये विस्क की मदद से मैं इसे एक अच्छा सा मिक्स दे लूंगी। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी मेहंदी बिल्कुल रेडी हो गई है, जिसको अब हम तकरीबन 1 से 2 घंटा मिनिमम और मैक्सिमम पूरी रात के लिए हम छोड़ देंगे। जितना ज्यादा आप इसको छोड़ोगे, उतना ही इंग्रेडिएंट्स के जो फायदे होंगे, जो इफेक्टिवनेस होगी, वो मेहंदी में शामिल होती जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर इसको तकरीबन 1 से 2 घंटा जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं उसके लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद अम्मी के बालों पर अप्लाई करूंगी। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि अगर आपने अपने बालों को 2 दिन पहले धोया हुआ है, यानी कि आज धोया है, फिर कल का भी गुजर गया और आज का दिन आ गया है, यानी परसों धोया है, कल का दिन भी गुजर गया और आज का दिन आ गया है, तो आपको पता है आजकल जिस तरह का मौसम है और जिस तरह के हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से एक तो आपके बाल गंदे हो जाते हैं, पसीने की वजह से भी बाल गंदे हो जाते हैं, और उसके अलावा 2 दिन अगर आपने बालों को नहीं धोया हुआ तो उसमें एक्सेस ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों पर अच्छा कलर नहीं आएगा। तो आपने बालों को धो लेना है। अगर आपने इस तरह किया कि 1 दिन पहले बाल धोए हैं, या फिर सुबह में बाल धो लिए हैं, या दोपहर में बाल धो लिए और रात को आप लगा रहे हैं, या सेम डे ही आप मेहंदी पेस्ट अप्लाई करना चाह रहे हो, फिर आपको बालों को धोने की जरूरत नहीं है। बालों को आपने अगर धोया है या नहीं धोया, बालों को आपने उंगलियों से कॉम कर लें या फिर जो है मोटे दानों वाली कंघी से आप कॉम कर लें, और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि ताकि मेरे हाथों पर कलर ना आए मैंने दस्ताने पहन लिए हैं। अगर आपके पास घर में ग्लव्स नहीं है अवेलेबल तो आप कोई भी शॉपिंग बैग हाथों पर चढ़ा लें ताकि आपके हाथों पर कलर ना आए। और उसके बाद अब आपने अपने बालों पर या जिसके भी बालों पर आपने अप्लाई करना है, जैसे कि मैं अम्मी के बालों पर अप्लाई कर रही हूं, तो आपने बालों पर इसको थोड़ा थोड़ा लेके और बालों के थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके आपने रूट से स्कैल्प से लेके टिप्स तक इसको लगाना है। पहले मैं इसको रूट्स में अच्छी तरह लगाऊंगी और फिर जो बाकी बच जाएगी उसको मैं टिप्स में लगा लूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे से बाल जो हैं वो इतने ज्यादा वाइट नहीं होते, ये सामने के हिस्से से या रूट्स में से आपके बाल ज्यादा वाइट होते हैं। तो मैं अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगा लूंगी। फिर आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई करो आपने इस हिस्से पर जरूर लगानी है, स्पेशली जिनके वाइट एज की वजह से बाल हो चुके हैं तो वो इन हिस्सों को बिल्कुल नहीं भूलें। और यहां पर भी आपको जो है वाइट बाल होते हैं सामने, क्योंकि ताजा ताजा जो बाल निकलते हैं वो सामने से नजर आते हैं, तो उधर भी आपने ध्यान से इस मेहंदी को लगाना है। मेहंदी को जब आप लगा लें, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपके बाल वाइट हैं या आपके बाल ग्रे हैं, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ट्राई में ही रिजल्ट नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने हर चीज नेचुरल यूज की है, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जो कि केमिकल वाली हो। आपको पता है केमिकल्स जब आप बालों से लगाते हो तो आपके बालों को फौरन अच्छा रिजल्ट तो मिल जाता है, फौरन ब्लैक या ब्राउन तो हो जाते हैं, लेकिन फिर आप कहते हो कि हमारे बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, बाल जो है ड्राई होना शुरू हो गए हैं, बाल डैमेज हो गए हैं। लेकिन मेहंदी पेस्ट से इस तरह नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको फर्स्ट ट्राई में ही ब्राउन, डार्क ब्राउन, बर्गंडी कलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे सर पे पेस्ट लगा लिया है और उसके बाद अब हल्का सा जूड़ा करके इसको मैं बांध दूंगी। एक चीज ध्यान में रखनी है, कपड़ों के ऊपर आप टावल या कोई खराब कपड़ा, पुराना कपड़ा बिछा लेना ताकि कपड़ों पर आपकी मेहंदी ना लगे। तो अब हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको लगा रहने देंगे। अच्छा, इसको पूरी रात आपने नहीं लगा रहने देना, क्योंकि बहुत से लोगों को, क्योंकि मेहंदी की तासीर थोड़ी ठंडी होती है तो बहुत से लोगों को फिर फ्लू वगैरह का मसला भी हो सकता है, तो आपने इसको पूरी रात के लिए नहीं लगे रहने देना। 1 से 2 घंटे के लिए आप लगा रहने दो और उसके बाद आप इसे वॉश कर लेंगे। तो 1 से 2 घंटे के बाद आपने बालों को किस तरह से धोना है वो मैं आपको बता देती हूं। एक तो ये है कि आपने कभी भी अपने बालों को शैम्पू नहीं करना, ठीक है। 1 से 2 घंटे में बाल आपके इस तरह होते हैं कि आप उन्हें धोगे तो आसानी से मेहंदी निकल जाएगी, बालों पर मेहंदी बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, तो इसलिए आसानी से निकल जाएगी। सादा पानी से आपने अपने बालों को धोना है पहले दिन। फिर जब 24 घंटे गुजर जाएं तो फिर आप अपने बालों को अच्छी तरह से पहले ऑयल करोगे। ऑयल का ये मकसद होता है कि ये जो कलर होता है ना मेहंदी का, वो आपके बालों से अच्छी तरह बाइंड कर देता है ऑयल। और उसके बाद 1 घंटा तक ऑयल लगा रहे दो, और उसके बाद आप शैम्पू और कंडीशनर रेगुलर जिस तरह से इस्तेमाल करते हो वैसे इस्तेमाल करते हो, अपने बालों को धो लो। लेकिन मेहंदी को धोने के बाद, सादा पानी से धोने के 24 घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं करना। अंडा अम्मी इसलिए लगाने से मना करी थी, जब मैंने उन्हें बताया कि आपने शैम्पू नहीं करना, फिर अम्मी ने कहा कि नहीं भाई मैं अंडा नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर उसकी स्मेल रहती है। तो अगर आपको अंडे की स्मेल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अंडा ही इस्तेमाल करें, बहुत जबरदस्त होता है आपके बालों की नरिशमेंट के लिए। तो आपने बालों को इस तरह से धोना है और
अब आ जाते हैं रिजल्ट की तरफ। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये अम्मी के बाल हैं। फर्स्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप चेक करें कि शाइन इसमें कितनी जबरदस्त है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्योंकि अम्मी ने पहले भी डाई किया हुआ था तो उनके बाल जो है कहीं से ब्लैक है और जो नए निकले हैं वो थोड़े से जो है वाइट थे, ग्रे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रे और वाइट इन बालों पर फर्स्ट ट्राई में ही रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसलिए अम्मी के भी बाल आप देख लें कि दरमियान में से उनके बाल ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं हुए, ठीक है। उनमें अभी भी हम कलर करेंगे। अब कलर आप कैसे करोगे कि पूरे महीने में आपने क्या करना है, आज आप लगाओगे उसके बाद एक हफ्ता छोड़ के फिर आप लगा लो, फिर एक हफ्ता छोड़ के फिर आप लगा लो, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते लगाई, एक हफ्ते का पूरा गैप दो, ये हो जाएगा ये वाला हफ्ता गैप हो गया, फिर अगला हफ्ता लगा लो, फिर आपने जो है गैप देना है, फिर अगला हफ्ता लगा लो, इस तरह। तो आप महीने में तकरीबन दो से तीन, तीन दफा आपका हो जाएगा, हाँ दो दफा, यस दो दफा होगा, एक दफा करके फिर एक हफ्ते का गैप, फिर एक दफा, फिर एक हफ्ते का गैप। तो आप तकरीबन इसको, अगर आपके व्हाइट और ग्रे बाल हैं, ठीक है, तो आपको तकरीबन इसको तीन से चार दफा जरूर लगाना पड़ेगा। अभी ये वाला कलर है, दोबारा लगाओगे मजीद कलर इन पर चढ़ेगा, वो और डार्क होगा, फिर मजीद कलर इन पर चढ़ेगा, वो और डार्क होगा, फोर्थ टाइम और ज्यादा डार्क होगा। तो जब आपको आपकी पसंद के रिजल्ट मिल जाएं तो उसके बाद आप छोड़ दो, उसके बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये केमिकल वाली कोई चीज नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में ये है कि जब भी आप मेहंदी को घोलो, आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आप इसको सादा पानी से नहीं घोलो, बल्कि चाय वाले पानी से ही घोलो ताकि इसमें बहुत अच्छा कलर आए। दूसरा ये है कि हमेशा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालो। तीसरा ये है कि अगर आपके पास कॉफी नहीं है तो कॉफी देखो डालो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कॉफी नहीं डालना चाहते लेकिन आप चाहते हो कि कलर ज्यादा अच्छा आए तो आप चुकंदर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर चुकंदर का पाउडर नहीं है तो चुकंदर ला के उसके छोटे छोटे स्लाइस काट के उसे धूप में सुखा लो, उसके बाद पाउडर बनाओ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो 1 टेबलस्पून। उसके बाद आपको मैंने बाल धोने का तरीका तो बता दिया है कि किस तरह से आपने अपने बालों को धोना है, और उसके अलावा कौन सा पॉइंट है, हाँ सारे पॉइंट मैंने बता दिए। और कभी भी ऑयल लगे बालों पर इसको अप्लाई नहीं करना और गंदे बालों पर इसको अप्लाई नहीं करना। तो इस तरीके से आप लगाओ और आपको इंशाल्लाह जल्द ही आपकी पसंदीदा कलर्स मिल जाएगा। तो हर्बल है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी रिजल्ट बहुत आला होगा। तो आप देखें फर्स्ट ट्राई में ही मैंने अम्मी के लगाया और कितने वाइट बालों में से ये इस तरह का कलर हो गया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।